अब संसद में कोहराम मचा है, विपक्ष की ललकार और सरकार के पलटवार का सिलसिला जारी है और इस महायुद्ध का हर अपडेट आप सब तक पहुंचाने के लिए आज भी मीनाक्षी विजय चौक पर मौजूद हैं। बिल्कुल अमित, इसमें कोई दो राय नहीं। इस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो जुबानी जंग चल रही है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, इसमें हमने राहुल गांधी को सुना, हमने स्मृति ईरानी को सुना, हमने देश के गृह मंत्री को भी सुना और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो पूरा विपक्ष नहीं पूरा देश भी सुनने वाला है। ये जंग तो बड़ी दिलचस्प है लेकिन इससे एक बहुत ज्यादा बड़ी जंग, मैं कहती हूँ सेहत की जंग जो इस वक्त लड़ी जा रही है वो डेंगू के डंक के खिलाफ लड़ी जा रही है। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक, इस वक्त पूरे उत्तर भारत में डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है अमित, और ये किसी भी और दूसरी तीसरी जंग से सबसे बड़ी जंग है, इस रोग के खिलाफ जंग है। बिल्कुल मीनाक्षी, और ये लड़ाई है डेंगू से लड़ाई, और ये लड़ाई आसान नहीं है क्योंकि बारिश के बाद अब भी कई जगहों पर पानी जमा है जिसकी वजह से मच्छरों की तादाद बढ़ रही है, क्योंकि ऐसी जगह मच्छरों का लार्वा ज़्यादा आसानी से बनता है, पैदा होता है और इसी वजह से डेंगू दिल्ली एनसीआर में रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और चिंता की बात तो यह है कि इस खतरनाक बुखार के आधे मरीजों को अस्पताल में एडमिट करने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि उन्हें हाई ग्रेड फीवर के साथ पेट दर्द, वॉमिटिंग हो रही है और उनके जो प्लेटलेट्स हैं वो भी गिरते जा रहे हैं। और खतरा सिर्फ डेंगू का ही नहीं है अमित, लोगों की सेहत पर टाइफाइड और सीजनल वायरल भी डेंगू के साथ मिलकर ट्रिपल अटैक कर रहा है। इनके अलावा एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी एक तरह की बीमारी है जिसमें फीवर 103 से 104 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और पेशेंट को एडमिट करवाना पड़ता है। अब देखिए हुसैन, अमित, पूजा, हम इतनी तरह की बीमारियों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और केवल एक इंसान का शरीर, जान एक और बीमारियां अनेक, और लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास एक सबसे बड़ा और सबसे मजबूत औजार है, हथियार है, और वो है योग और आयुर्वेद। बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड या फिर वायरल कोई भी सीजनल प्रॉब्लम हो, यौगिक कवच को भेद नहीं सकती और इनका बेस्ट इलाज भी आयुर्वेद में ही मौजूद है। और ये सब कुछ कैसे होगा, ये रोजाना हमारे साथ स्वामी रामदेव जुड़कर बताते हैं और आज भी स्वामी जी हमें बताएंगे कि कैसे इन सारी परेशानियों से निजात मिलेगी। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। अच्छा, एक तो स्टूडियो में पूजा है और एक मेरे पास भी आप पूजा है और ये पूजा इस अर्थ में विशेष है कि पहले 97 की थी और अब 47 की है। पहले जब 20 साल पूर्व मैंने लगभग मुंबई में कैंप किया तब यही पूजा 97 की थी। वैसे इंडिया टीवी वाली पूजा तो अभी दुबली पतली है और ये पूजा मेरे साथ जो है ये एक आइकॉन बन गई है हेल्थ और फिटनेस का, और केवल योग से, कोई जिम नहीं, कोई बैरेटिक सर्जरी नहीं, कोई दवाई नहीं। और अब बात आती है फिटनेस के साथ साथ, ये मैंने एक दिन पहले भी बोला था, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, फिर टाइफाइड, ये भगवत कृपा से हमको नहीं हुआ कभी। मच्छर तो हमको भी बहुत काटे हैं। वैसे तो एक तो ये है कि हमारे पास है ना अच्छे वाले मच्छर हैं। मच्छर अच्छे भी होते हैं। ये मच्छरों की ये पहचान है। यौगिक मच्छर तो नहीं है स्वामी जी, वो तो मच्छरों की समाधि बन गई होगी जिन्होंने आपको काटने की हिम्मत की होगी। नहीं, वो भी यौगिक बन गए होंगे, योगी मच्छर। तो वो ऐसा हुआ कि आप देख रहे ना मेरे सामने यहाँ पर हमने अलग अलग तरह की धूप बत्ती, कपूर, और इधर पूजा साध्वी देवार्चना जी और उनके पास में हमारे एक भाई है वो धूनी कर रहे हैं। तो हम गूगल की, कपूर की, अलग अलग प्रकार की हवन सामग्रियों की जो धूनी करते हैं उससे जो खराब वाले मच्छर हैं वो मर जाते हैं और अच्छे वाले जो मच्छर हैं वो अपना आनंद करते हैं। तो ये भी एक बड़ा जबरदस्त दिलचस्प मामला है। खैर, तो ऐसे योगिक जोगिंग पूरा करना और सूर्य नमस्कार करना
और बटरफ्लाई। अब स्वामी जी देखिए, मच्छर योगी हो ना हो, अच्छे हो बुरे हो, ये जो ट्रिपल अटैक बता रही थी पूजा जी, लेकिन हर कोई योग कर सकता है, जो इंसान है वो तो योग कर ही सकता है, और योग के जरिए अपने शरीर को इस लायक बना सकता है कि मच्छर कोई भी काटे उसके शरीर के अंदर किसी तरह की बीमारी ना पनपे। स्वामी जी, बीमारी से जुड़े हर एक सवाल का जवाब एक अच्छी इम्यूनिटी होती है। अगर शरीर में अच्छी इम्यूनिटी है तो हर तरह की बीमारी से लड़ाई आसानी से हो सकती है। डेंगू हो, मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो, कैसा भी बुखार हो, इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो ये सारी चीजें शरीर में दाखिल नहीं हो सकती। इम्यूनिटी के लिए एक तो जॉगिंग करें हमारे अमित जी की तरह, आपने मेरा सवाल समझिए, और पूजा जी की तरह ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करें, पूरा पैकेज योगाभ्यास, मीनाक्षी जी की तरह सूर्य नमस्कार करें जैसे हमने और हमारी श्रद्धामयी बहन पूजा जी ने किया यहाँ पर, और अब उल्टे लेट जाएं। अब देखो ये सब कर सकते हैं। अब ये किधर भाई बैठा हुआ है, क्या राम प्रसाद, राम स्वरूप, मेरा नाम राम है, उसका नाम राम के स्वरूप में खो गया हो। 5 साल तक तो बेड रेस्ट किया, अब चल भुजंगासन कर, HLB 27 हो गया था, पड़ा हुआ था चारपाई पर, अब अपनी पत्नी को 4 धाम करवा दिए मोटरसाइकिल से, अब दूसरी बार कराने के लिए लेके आया है। तो ये भुजंगासन बड़ा जबरदस्त है ऐसे। अब डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, इनका ये जो ट्रिपल अटैक है, और फिर किसी किसी का तो फिर सामान्य बुखार की बजाय टाइफाइड तक हो जाता है, इससे कैसे बचा जाता है वो भी बता देते हैं। एक तो गिलोय रोज पिए, ये जो गिलोय है ना, इसका तो हमने इतना प्रचार किया है कि हमारे बहन मीनाक्षी जी तो कहने लग गई गिलोय को जो है राष्ट्रीय जड़ी बूटी घोषित करवा करके ही दम लेंगी वो, लंबे लंबे श्वास। तो गिलोय जी जी, और तुलसी, गिलोय थोड़ी उसमें लौंग डाल दो, ये देखो मैंने रख रखी है लौंग, और एक लौंग जो है राष्ट्रीय सब्जी। और योग राष्ट्रीय जीवन शैली, और इंडिया टीवी राष्ट्रीय चैनल है ये, लंबे लंबे श्वास ऐसे, और उसमें राष्ट्रीय एंकर हैं हमारे भाई हुसैन जी, हमीद जी और आप सब, ज्योत्सना, मीनाक्षी और पूजा, लंबे लंबे श्वास। तो गिलोय, तुलसी और लौंग, इसका काढ़ा पी लें। गिलोय घनवटी एडवांस हमने सबको दे दी है, ज्वरनाशक वटी सामान्य बुखार में, और गिलोय घनवटी, फीवोग्रिट हमने नई औषधि बना दी है, फीवोग्रिट, और टाइफाइड होने पर टाइफोग्रिट, ये पेस्ट है जिसमें मुनक्का, खूबकला, अंजीर का हम पेस्ट बताते थे, और ये जब मलेरिया हो जाता है तो कुटकी, वैसे कुटकी से ही कुनीन ये जो पहली गोली बनाई थी मलेरिया के लिए, और वैसे हमें कुटकी और दूसरी जितनी भी ये ज्वरनाशक औषधियाँ हैं, चिरायता है, कुटकी है, करंज है, तुलसी है और गिलोय है, इन सब का हमने एक ज्वरनाशक क्वाथ बना रखा है, ज्वरनाशक वटी, और ये महासुदर्शन घनवटी, चिरायता इसके लिए परम औषधि है, चिरायता और कुटकी इनका ही काढ़ा पी लो, और ये भुजंग आसन ऐसे 100 बार तक कर लेते हैं ना तो इम्यूनिटी। स्वामी जी अब और किसी एक को एक करके और ज्यादा जोरदार बनानी हो तो ऐसे करवा देते ये जी मेरे भाई, एक एक करके जो बुखार है और उनसे पैदा होने वाली जो परेशानियां उस पर बात कर लेते हैं, लेकिन हमारी पहली कोशिश स्वामी जी ये होती है कि आप योगाभ्यास का एक पूरा पैकेज करवा दें ताकि लोग घर बैठे जो आपको देख रहे हैं उनका योगाभ्यास का सेशन पूरा हो जाए। और अब योगाभ्यास करते करते मैं विषय शामिल करता रहूंगा। सबसे पहले बात स्वामी जी, डेंगू की जो इस वक्त एक आफत बनकर मंडरा रहा है, इसमें प्लेटलेट्स जो है बहुत तेजी से गिरती हैं और फिर पेट में काफी दर्द की शिकायत होती है, तो जो मरीज है वो क्या क्या सावधानी बरते और प्लेटलेट्स को फिर से नॉर्मल स्थिति में कैसे लाया जाए और फीवर कैसे कम। प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए रामबाण उपाय है मेरे भाई, पपीते के पत्तों का रस। अब पपीता तो खा लेते थे लोग, पपीता कच्चे की सब्जी भी बना लेते थे, लेकिन पपीते के पत्ते भी काम आ सकते हैं ये स्वामी रामदेव ने बताया इंडिया टीवी पर, पहली बार पूरे इंडिया को बताया कि पपीते के पत्तों का रस, और उसमें जो है थोड़ा अनार मिला देते हैं तो पेट भी अच्छा हो जाता है, और उससे फिर पूरा जो ब्लड के सारे WBC RBC प्लेटलेट सारे तीनों के तीनों कंपोनेंट अच्छे हो जाते हैं।
तो पपीते के पत्तों का रस, अनार, फिर एलोवेरा, फिर गिलोय, और यदि वीट ग्रास मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। पांचों के पांच चीज़ें हो गई। इसका हमने नाम ही रख रखा है प्लेटोग्रिट जूस, और फिर इसी से हमने प्लेटोग्रिट वटी भी बना दी है। जिनको ये नहीं मिल पाता तो लोग 50-50 रुपए की खाली पपीते के एक्सट्रैक्ट की गोलियां खा रहे थे। हमने एक कंप्लीट कंपोजिशन कर दिया। स्वामी जी, आपने ऑप्शन बहुत सारे दे दिए, ये तो अच्छी बात है। जो ये जो अभी हमने पांच चीजों का जूस बताया, लेकिन जिनके घरों में स्वामी जी पपीते के पेड़ लगे हुए हैं, पूरे प्लेटलेट के घटने से कोई मर नहीं सकता जी। पपीते का रस जो है वो पत्ते का जो रस है वो कितना पीना है और कितनी दफा पीना, कितने दिनों तक? वो तो गंजे हो जाते थे बेचारे। एकदम ठीक कह रहे, ये हालात बनती है। स्वामी जी, अगर आप मुझे सुन पाए हो, पपीते के पत्ते का जो रस है वो दिन में कितनी दफा लेना है और कितने दिन तक लेना है, जिसके बाद प्लेटलेट्स नॉर्मल हो जाएंगे? तो ये पपीते के पत्तों का रस, उसमें अनार, एलोवेरा, गिलोय, वीटग्रास, ये मिलाकर के 2-2 घंटे के अंतराल से दे देते हैं, और एक ही दिन में 5-10 नहीं 25-50 हज़ार तक प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। जिसका 5,000 प्लेटलेट आ गया था, मैंने लाइव एग्जांपल्स के साथ बताया हुआ है। शाम तक पहले दिन सुबह चेक किया तो 5,000, अगले दिन हाँ हाँ तो देखो, ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे मैंने कहा 5,000 से सीधा 50,000 प्लेट तक तो पहुंच जाएगा। अब डायरिया हो रहा है, तो डायरिया के लिए सबसे अच्छा तो है अनार। डायरिया के लिए सबसे अच्छा अनार, अनार से खांसी भी ठीक होती है, अनार से पेट भी ठीक होता है, अनार से डायरिया भी ठीक होता है, अनार से फेफड़ा भी मजबूत होता है, अनार से कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होता है, हार्ट भी अच्छा रहता है, चित्त भी प्रसन्न हो जाता है, उल्टी दस्त दूर हो जाते हैं। तो अनार का प्रयोग सबको करना चाहिए, और ये अनार अंदर से सेफ रहता है, और इस पर कोई फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का भी ज़्यादा असर नहीं होता। छिलका इसका मोटा होता है, अंदर जो है बीज रहता है, तो इसलिए जो है उस खतरे से भी ये दूर रहता है। तो अनार का प्रयोग करें, ज़्यादा ही दस्त लग जाएं तो फिर कुटजारिष्ट कोटज घनवटी ले लें, ज़्यादा ही उल्टी लग जाएं तो 1-2 बूंद दिव्य धारा वो बतासे में डाल करके या हनी में डाल करके या पानी में डाल घोल करके ऐसे ही पी लें, अथवा मुक्ता शक्ति मोती पिष्टी, दोनों मुक्ता शक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी उसमें 4-5 ग्राम मिला ली, और उसका जो ये पाउडर है ये 0.5 ग्राम शहद के साथ मलाई के साथ चाट लें, उससे भी ये जो है उल्टियां बंद हो जाती हैं। तो और बाकी पेट के लिए ना बैठ करके मंडू का आसन, और ये तो आपने बताया जी जी जी। स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि ये जो डायरिया की परेशानी है ये तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये जो मौसम है इसमें सीजनल बीमारियों का और खास तौर पर वायरल का प्रकोप भी बहुत खतरनाक है। मैंने देखा छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक 102 फीवर, 103 फीवर तक भी वो परेशान हो रहे हैं। तो पहले तो ये जो सीजनल वायरल है जिससे अस्पताल भी भरे जा रहे हैं, इसे कैसे काउंटर किया जा सकता है, कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है? और दूसरा, अगर ऐसा हो भी जाए तो फिर ये जो डायरिया, पेट दर्द की शिकायत, लूज मोशन, मुक्त आसन बताया जी, और दूसरा अब जो है इसके लिए भी बता देते हैं, पवन मुक्त आसन के साथ जिनसे बन पाए उत्तान पादासन, नौकासन, हमारे साथ साथ जितना बन पाए कर लेंगे, और नहीं तो पवन मुक्त आसन और सेतु बंद तो बहुत ईजी है, इसको तो बुखार में भी कर सकते हैं। अब रही बात, आपने कहा जो मंद मंद बुखार बना रहता है, मंद ज्वर है, और ये कई दिनों तक बना रहता है, टूटता ही नहीं है, कभी जो है 100, कभी 101, कभी 102, और फिर इससे पूरा शरीर टूटता रहता, पूरा शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, और कुछ खाया पिया नहीं जाता है, बहुत खराब हालत हो जाता है, इम्यूनिटी और डाउन हो जाती है, और फिर बैक्टीरियल वायरल बीमारियों का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो
जिनको भी मंद ज्वर रहता है उनको गिलोय घनवटी, और ये जो सुदर्शन घनवटी हमने बताई ना, ये सुदर्शन नाम इसीलिए रखा गया इसका कि ये सुदर्शन चक्र की तरह है। सुदर्शन घनवटी ले लें अथवा चिरायता और कुटकी का काढ़ा बना करके पी लें। जैसे मैंने वैसे भी कहा गिलोय तो ले ही सकते हैं, गिलोय के साथ तुलसी और लौंग इसका गरम गरम काढ़ा पी लिया और एक बार कंबल ओढ़ करके सो जाएं, एक बार पसीना आएगा, एक ही बार में बुखार उतर जाएगा। ऐसे ये दो तीन दिन ले लिया तो फिर बुखार आएगा ही नहीं। मैं अपना अनुभव बताता हूँ, आज से करीब 35-40 साल पहले की बात है, जब हम गुरुकुल कारवा में पढ़ा करते थे तब मोटे मोटे मच्छर ही नहीं उनको डांस बोलते, वहाँ ऐसे मोटे मोटे बहुत भयंकर होते थे, पशु को भी काटते तो पशु भी चीखते थे, ऐसे होते थे। अब उससे फिर जो है बुखार चढ़ जाता था, जब से गिलोय पी तब से वो बुखार पता नहीं कहाँ कौन से लोक में चला गया है? तो ये बहुत ज़बरदस्त उपाय है। बाकी जो फिर सर्दी जुकाम कफ कोल्ड रहता है उसके लिए सीतोपलादी चूर्ण, त्रिकुटा चूर्ण या स्वासारी का पाउडर आता है वो एक एक ग्राम शहद से चाट लें, कंठामृत लवंगादि खदरादि बट्टी चूस लें, और किसी को ज़्यादा ही कफ कोल्ड हो जाता है तो स्वासारी और पंचकोल, ये तो बुखार को भी ठीक कर देता है पंचकोल, तो पीपल पीपलामूल चित्रक चवे सौंठ होती है। जो कुछ लोग मैं देखता हूँ एक बार थोड़ा ये कफ कोल्ड का असर आता है तो काफ़ी दिनों तक तो खुर्र खुर्र करते रहते हैं, खा 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 करते रहते हैं। तो भाई इतने दिन खूंखा मची हुई है, थोड़ा स्वासारी और पंचकोल का काढ़ा पी लो, क्यों खुर खुर कर रहे हो? तो ये पवन मुक्त आसन, उत्तान पाद आसन, नौकासन करते करते ये खांसी खुर्रे का भी उपाय बता दिया। बहुत लोगों को ये अक्सर रहता है और एक बार हो जाए तो फिर ये छोड़ता नहीं है, तो ये भी पीछा छोड़ देगा। मेरी बहन मीनाक्षी जी, मेरे भाई अमित जी, हुसैन स्वामी जी, मानसून का वक्त चल रहा है और अभी भी तमाम इलाकों में पानी भरा हुआ है और इसी वजह से हमने आज ये विषय हमारा चल ही रहा है, क्योंकि इस मौसम में मच्छरों के पनपने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। फोन डिस्कनेक्ट हो गया है क्योंकि फोन ने मौन धारण कर लिया, तो समझ में आ जाता है कि अब पीसीआर वालों को फोन लगा लेना चाहिए। तो फोन चाहे कट जाए लेकिन हम अनकट रहते हैं, हमारी कनेक्टिविटी कभी नहीं टूटती है। ये कनेक्टिविटी और डिविनिटी ऐसी बनी हुई है कि लोग सुबह एक अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आ गया है फ़ोन दोबारा, हमारे साथ योग करने लग जाते हैं, और इसमें सामान्य आसनों से लेकर के सर्वांग आसन शीर्षासन तक भी कर लें तो फिर तो ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। स्वामी जी फोन आ गया है तो अब अगला विषय भी आप तक आ साथ जाएगा। जुड़ चुका हूं सैन जी। जी 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 स्वामी जी, देखिए मानसून का वक्त चल रहा है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में भी जो पानी बारिश का था वो अभी निकल नहीं पाया, तमाम इलाकों में जो पानी भरा था, तो ऐसे में जो मच्छर पनप रहे हैं उनमें से ही एक मच्छर जो है मलेरिया जैसी बीमारी भी दे रहा है, और इस खतरनाक बीमारी से कैसे बचना है स्वामी जी, और जो जिनको हो गया मलेरिया मान लीजिए वो फिर क्या क्या सावधानी बरत? तो देखो ये जो मलेरिया है ना सर, तो मलेरिया का शीर्षासन, तो वैसे मैं तो शीर्षासन इसलिए कर रहा हूँ कि हमें देख करके कुछ लोग रोज ही शीर्षासन करने लग गए, शीर्षासन और सर्वांगासन। शीर्षासन सर्वांगासन जो रोज करेंगे उनकी तो इम्यूनिटी अच्छी होगी कि उनको मलेरिया होगा ही नहीं। शेष क्या करें, ये चिरायता और कुटकी है, चिरायता कुटकी के साथ ये सुदर्शन घनवटी सुबह दोपहर शाम तीन बार दो दो गोली खा लें, उसके साथ एक एक गोली गिलोय की भी ले सकते हैं। गिलोय सब प्रकार के सर्व जर्व नाशक, ऐसा आयुर्वेद में कुछ औषधियों को सर्व जर्व ज्वर नाशक कहा है। तो चिरायता कुटकी ये तो खास करके मलेरिया के लिए है, और गिलोय सर्व ज्वर नाशक है, सर्व दोष हर वात पित्त कफ त्रिदोष हर भी है, तो
ज्वरनाशक वटी, महासुदर्शन घनवटी, चिरायता और कुटकी का काढ़ा, ये तो कुछ चीज़ें रखनी चाहिए घर में ना, जैसे चिरायता है, कुटकी है, ज्वरनाशक, सुदर्शन, गिलोय घनवटी, और अब तो टाइफाइड भी घरों में होने लग गया है, तो ये जो टाइफाइड के लिए हम खूब गला मुनक्का अंजीर बताते हैं, या तो इनको रख लो, या रेडीमेड रखना है तो टाइफोग्रिट रख लो, नहीं तो टाइफोग्रिट और जनरल फीवर के लिए फीवोग्रिट, हमने पैरासीटामोल क्रोसिन, उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों को तो टाइप 1 डायबिटीज़ तक उससे हो जाता है, और गर्भवती महिलाओं को नहीं देना चाहिए पैरासीटामोल क्रोसिन डोलो आदि। तो हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया हुसैन भाई, ये जो टेम्परेचर को डाउन करने के लिए, एक तो होता है अंदर का बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, अंदर जिस कारण से बुखार हो रहा है उसका निवारण करना, उसके लिए तो अलग अलग औषधियाँ, फीवर को डाउन करने के लिए जो लोग क्रोसिन और जो है अलग अलग प्रकार के पैरासीटामोल, जो साल्ट आदि खाते रहते हैं, उसके लिए एक बेस्ट है ये फीवोग्री। तो ये नई औषधि फीवोग्री जो है इसके लिए कमाल की है, तो ये सब घरों में रखना ही चाहिए सबको। तो वैसे बाकी गिलोय तुलसी तो अब घर घर में लगा ही लिए लोगों ने। हम जिस तरह के बुखार की बात कर रहे हैं स्वामी जी, चाहे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कुछ भी हो, मच्छर भाग जाए, इसमें स्वामी जी कई बार बहुत हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, और ऐसी सूरत में वो बुखार सिर पे ना चढ़ जाए, इसकी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना पड़ता है, और कई बार तो पेशेंट को नहला तक दिया जाता है जब बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है, तो इस तरह के मामलों में आप क्या करते हैं? इस तरह के मामलों में ना हम क्या करते हैं, ठंडी चादर के लपेट करवा देते हैं, नहाना नहीं चाहिए ऐसे में बुखार, वो जो आपने ठीक कहा कि सिर में बुखार चढ़ गया और फिर जो है वो आदमी दिमाग से ही पकला जाता है, तो उसको ये पहले भी हमने कोरोना के समय भी कई बार बताया था, एक ठंडे पानी में एक बेडशीट ले ली, बेडशीट को पूरे पेशेंट को ऐसे लपेट देते हैं जैसे कोरोना में पन्नी लपेटते थे, ऐसे लपेट देते हैं, उससे एकदम से बुखार डाउन आ जाता है। और मिट्टी पट्टी जो थोड़ी देर पहले हम सभी पेशेंट की करवा रहे थे, मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर कर देते, ठंडे पानी का ऐसे टॉवल ना एक माथे पर और एक पेट पर बांध देना चाहिए, तो ठंडे पानी का जो टॉवल है ये पेट पर बांधने से, माथे पर लगाने से, और ठंडी जो बेड शीट है वो लपेट करने से, और साथ में बुखार वो सिर में जाएगा ही नहीं एकदम से। जैसे मैंने कहा जितने भी विकल्प मैंने बताए, चाहे वो फीवोक्रिट है, चाहे ज्वरनाशक है, चाहे सुदर्शन घनवटी है, ये अपने आप में पर्याप्त हैं। और घर में ना तुलसी नीम हल्दी और ये लेमन ग्रास, ये जिस घर में रहती है ना उस घर में से खराब मच्छर भाग जाते हैं। ये लेमन ग्रास की तो विशेषता है, इसके पास मच्छर टिकते ही नहीं। कुछ ऐसे जीव, जैसे मैं अभी असम गया था, तो वहाँ जीव को अट्रैक्ट करने के लिए एक पीले रंग की पन्नी लगा देते हैं चाय के बागान में, उससे सारे कीड़े आकर के उससे चिपट जाते हैं और उनका मोक्ष हो जाता है। तो ऐसे कुछ जीव को अट्रैक्ट करते हैं, कुछ जीवों को भगाते हैं, तो ये इसमें ऐसी ताकत है। नीम में कभी कीड़ा नहीं लगता, बाकी कोई ऐसी लकड़ी नहीं जिसमें कीड़ा ना लगता हो, नीम इसमें कोई कीड़ा नहीं लगता जी। ये लेमन ग्रास और ये तुलसी, इसकी हवा से ही मच्छर भाग जाते हैं, तो अपने घरों में जरूर लगाया करें, ये भी मैं आज एक आह्वान करना चाहूंगा। अच्छा, सबसे आप मेरे भाई हुसैन, टाइफाइड का निराकरण तो बता रहे हैं, लेकिन टाइफाइड बड़ा धोखेबाज किस्म का भी है, क्योंकि आजकल के कुछ केसेस ऐसे देखे जा रहे हैं जिसमें बुखार इतना हाई टेम्परेचर का या इतना हाई डिग्री का नहीं आता है, कभी कभी तो बुखार नहीं आता है, लेकिन ब्लड टेस्ट कराओ तो फिर पता चलता है कि अरे ये तो टाइफाइड है। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मीनाक्षी जी। देखो, एक तो हमें टेस्ट जरूर कराने चाहिए, डेंगू है, चिकनगुनिया है कि मलेरिया है, अब तो उलझन ये है ना क्या है, उससे क्या होता है राइट डायरेक्शन में कि बुखार भी नहीं अगर आ रहा है तो जाने कैसे, लक्षण क्या है, फिर पता कैसे चले कि टाइफाइड हो गया? हाँ, तो देखो सामान्य लक्षण तो मैं बता देता हूँ। अभी हमारे
गिरीश आहूजा साहब बोले, जी मैंने तो सारे टेस्ट करा लिए, पता ही नहीं लगा बुखार कौन सा है। तो बोले फिर लास्ट में डॉक्टर्स ने बोला कि ये तो कोरोना के बाद में बहुत लोगों को ऐसे ही वायरल हो रहा है। तो कई अब क्या बताएं। तो सामान्य रूप से जब शरीर पर थोड़े चकत्ते से पड़ने लगे तो समझ लेना, लाल लाल से निशान पड़े तो समझ लेना आपको डेंगू हुआ है। जब शरीर एक एक जॉइंट थोड़ा बहुत तो पेन होता है शरीर में ज़्यादा बुखार होने पर, तो जब ज़्यादा एक एक जॉइंट पेन करने लगे तो समझ लेना चिकनगुनिया हो गया है। ये सामान्य लक्षण बता रहा हूँ। और जब पेट में आंतों में दर्द होने लगे, आंत्र ज्वर को ही टाइफाइड कहते हैं, आंतों में स्वेलिंग आ जाती है और उसके बाद ये बुखार होता है, तो आंत्र ज्वर के लिए ये आंतों में जब सूजन आ जाती है ना तो ये बड़ा दिक्कत वाला काम है। तो ये जो है टाइफाइड है, और बाकी तो टाइफाइड के लिए मैंने बताया खूब कला मुनक्का अंजीर, ये तो बहुत ज़बरदस्त काम करता है, ये 2 ग्राम खूब कला और 5-10 मुनक्का, 2-3 अंजीर, इनकी चटनी बना करके और पेस्ट भी ले सकते हैं, उसको उबाल करके भी ले सकते हैं और इसके साथ गिलोय और खा लो, तो टाइफाइड का शर्तिया इलाज है। बस इसमें परहेज ये करना है, एक तो हल्दी का सेवन नहीं करना है, दूसरा हो सके तो केवल चीकू और कल वो खट्टा फल बता रहे थे कीवी और खिचड़ी, बस यही खाना, आम नहीं खाना, केला नहीं खाना और दूसरे कोई फल भी नहीं खाना और कोई अनाज और बाकी चीज़ें नहीं। तो ऐसे ही इतना सा परहेज कर लें तो फिर टाइफाइड को 3 से 7 दिन के अंदर ही हम 100% मात दे देते हैं मेरे भाई हुसैन जी। ठीक है स्वामी जी, बुखार तो चाहे किसी भी तरह का हो आपने उसे भगा दिया है, लेकिन स्वामी जी बुखार ये जाते जाते ना हड्डियों को बड़ा नुकसान करके जाता है, लोग सालों साल हड्डियों के दर्द से परेशान रहते हैं, कई बार तो जो उंगलियों की छोटी छोटी से ज्वाइंट्स हैं वो तक दुख रहे होते हैं, तो इन हड्डियों के दर्द से फिर कैसे छुट्टी मिलेगी? एक हड्डियों के दर्द के लिए एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें, दूसरा लाक्षादि गूगल इसके लिए ज़बरदस्त काम करता है। वैसे तो चिकनगुनिया के बाद जो दर्द है शरीर में रह जाता है, हमने चंद्र प्रभावटी, कैशोर गूगल और लाक्षादि गूगल तीनों एक एक दे दिए और जिनका पूरा शरीर जर्जरित हो गया था, पूरा अर्थराइटिस की जैसे कहते हैं ना एकदम पराकाष्ठा तक पहुँच गए थे, उनको भी हमने अच्छा कर दिया। तो लाक्षादि गूगल, कैशोर गूगल, सामान्य रूप से चंद्र प्रभावटी और ये गिलोय ना, गिलोय के फायदे सुनो, गिलोय जोड़ों के दर्द को दूर करती है, अर्थराइटिस की परम औषधि है, गिलोय वेट कम करती है, गिलोय शुगर को ठीक करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है और कैंसर तक को ठीक करती है, तो इसलिए गिलोय को तो सबको ले लेना चाहिए। तो ये गिलोय और एलोवेरा यही जूस पी ले तो चाहे वात पित्त कफ कैसी प्रकृति और चिकनगुनिया के कारण से चाहे पूरा शरीर जकड़ गया हो वो भी ऐसे घोड़े की तरह दौड़ेंगे और सारे जॉइंट पेन दूर हो जाएंगे, जो हमारे दूर करके यहाँ पर भी बहुत से भाई बैठे हुए हैं। एक चीज़ और है स्वामी जी, चलिए हड्डियों के दर्द से भी निजात मिल गई, लेकिन बहुत सारे बुखार के बाद काफ़ी दिनों तक लोग बहुत थकान और कमजोरी महसूस करते रहते हैं, बिल्कुल थका थका सा दिन गुजर रहा है। हाँ, थकान, कमजोरी, भूख नहीं लगती, इसके लिए सबसे बेस्ट है द्राक्षासव। द्राक्षासव पीने से एक तो नींद बहुत अच्छी आती है, भूख बहुत अच्छी लगती है, कमजोरी तुरंत दूर हो जाती है, और ज़्यादा ही कमजोरी है तो थोड़े दिनों तक मुनक्का, अंजीर, खजूर, खजूर 2, मुनक्का भी 2-3 और ऐसे ही 2-3 अंजीर, तो ये ले लिया करें और द्राक्षासव इसको पी लिया करें, ये खून की कमी के लिए। द्राक्षासव पीने का तरीका क्या स्वामी जी, और कितनी बार पीना है, पानी के साथ लेना है, गुनगुने पानी में लेना है, कैसे लेना है ये भी बता दीजिए। इसके 4 चम्मच दवा माने करीब 1/4 कप, 1/4 कप
द्राक्षासव और फिर उसमें पानी मिला दें तो आधा कप हो जाएगा, वो पी लिया करें। अब ज़्यादा पी लेंगे तो फिर जो है पूरा वाइन का काम करेगा वो तो इसलिए हम दारू छुड़ानी भी हो। अच्छा स्वामी जी, तो उसका प्रयोग करवाते हैं। अब देखिए मैं विजय चौक पर मौजूद हूँ और पीछे संसद भवन है। सरकार और विपक्ष के बीच में जो लड़ाई चल रही है, जो अदावत है, उसका समाधान तो बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन योग और आयुर्वेद ये कहता है कि प्राणायाम के जरिए 99% रोगों का समाधान ढूंढा जा सकता है। तो स्वामी जी, अब एक सेशन प्राणायाम का भी करवा दें। और ये पक्ष विपक्ष भी यदि, अब देखो वैसे तो होना तो ये चाहिए कि विजय चौक पर पहले मीनाक्षी बहन की योग की क्लास अटेंड करके जाएं तो फिर जो है ना दिमाग ठीक रहेगा, तर्क भी अच्छे से करेंगे, पक्ष विपक्ष अपनी बात भी अच्छे से रहेंगे और लड़ाई झगड़ा कतई नहीं करेंगे। यदि हो सके तो मीनाक्षी बहन का योग करके फिर संसद भवन में जाए। मीनाक्षी बहन के साथ वहाँ सार्वजनिक तौर पर करने में दिक्कत हो रही है तो इंडिया टीवी पर देख करके करके फिर जाना चाहिए। तो जो योग करेंगे ना तो देखो विरोध भी विवेकपूर्वक होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। अपनी आवाज वो डेली हमारा ये कार्यक्रम जरूर देखते हैं और योग के लिए समय जरूर निकालते हैं, फिर अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। मंत्री भी करते हैं, पीएमओ से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक इंडिया टीवी सुबह सुबह 8 बजे लग जाता है। चाहे पहले हमारे राष्ट्रपति जी थे कोविंद जी, चाहे अब मुर्मू जी हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री तो वैसे भी वो इंडिया टीवी से, रजत भाई से, हमसे ऐसे भी प्रेम करते हैं और खुद भी योग करते हैं। इसलिए पीएमओ से लेकर के राष्ट्रपति भवन से लेकर के राज्यपाल से लेकर के देश के मुख्यमंत्री, मंत्री, देश के जो प्रभावशाली लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो सच में इंडिया टीवी सुबह सुबह देखते हैं, हमारे साथ योग करते हैं, फिर अपने अगले कर्मयोग की अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। तो सबको भस्त्रिका, कपालभाति और फिर आगे बाह्य प्राणायाम, उज्जायी, अनुलोम विलोम, ब्राह्म उद्गीत, ये यात्रा हम जारी रखेंगे। अब प्रश्नकाल का भी समय हो गया। प्रश्नकाल वैसे संसद का तो कई बार संकट में पड़ जाता है, लेकिन हमारा प्रश्नकाल बाधित नहीं होता कभी भी। और मेरा कर्मयोग यही है कि मैं सवालों को शामिल करने की शुरुआत कर दूं। कईयों को संकट से निकाल लेता है स्वामी जी। पहला सवाल स्वामी जी दिल्ली से नितिन का, ये बात ठीक है, चलो शुरू करो हुसैन भाई। मेरी नानी जी को हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और क्रिएटिनिन की समस्या है, जिसके लिए वो आयुर्वेदिक दवाई ले रही हैं, लेकिन क्या उसके लिए उन्हें 10-10 मिनट के अंतराल से उन आयुर्वेदिक दवाइयों को लेना है या वो एक साथ भी ली जा सकती हैं? तो देखो जैसे बीपी और शुगर की, बीपी के लिए मुक्तावटी और शुगर के लिए मधुनाशिनी, तो दोनों साथ साथ ही ले सकते हैं। और खाली पेट ऐसे क्रिएटिनिन के लिए जो है कि एक साथ ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए दवाई का आपस में कोई विरोध नहीं है। आयुर्वेद में जो कंपोनेंट्स हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी में बोले तो फाइटोकेमिकल्स हैं, उसका कोई आपस में विरोध नहीं है। तो नानी जी आपकी बीपी शुगर की दवाई मुक्तावटी और मधुनाशिनी साथ साथ ले सकते हैं। उठते ही जो क्रिएटिनिन के लिए जो रिनोग्रिट है, उसको नीम और पीपल के पत्तों के साथ, नीम से शुगर और पीपल के पत्तों से जो है बीपी आपकी नानी जी का अच्छा रहेगा। तो नीम पीपल के पत्तों के साथ उठते ही रिनोग्रिट ले ले, मुक्तावटी और बीपी ग्रिट खाई पेट और मधुनाशिनी जो है खाने के बाद ले ले, उसमें खीरा करेला टमाटर का जूस पी ले, तो और जल्दी अच्छे हो जाएंगे। आपकी नानी जी का बीपी शुगर के कारण से क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है, दोनों कंट्रोल होंगे तो क्रिएटिनिन भी कंट्रोल हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमारे भाई बैठे हुए हैं, बोले जी 7 था जब आए और अभी 1 सप्ताह के बाद ही 4 निकला और 1 सप्ताह के बाद फिर अब 2 पर, तो इतना जल्दी भी लाभ हो जाता है, किसी को थोड़ा वक्त भी ले लेकिन किडनी ठीक होगी क्रिएटिनिन, ये पक्की बात। अगला प्रश्न आप ले लीजिए स्वामी जी। अगला सवाल लुधियाना से आया है वंदना का। पिछले 7-8 सालों से मेरे पैरों में और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता, सब नॉर्मल सर, और मैं बहुत जगह से दवाई ले चुकी, कहीं फ़र्क नहीं, कोई उपाय बताएं? वंदना जी, कई बार रिपोर्ट में नॉर्मल आता है फिर भी दर्द रहता है, और कई बार रिपोर्ट में पता लगता है आर इफेक्ट बढ़ा हुआ है, सी आर पी बढ़ा हुआ है, ESR यूरिक एसिड
और इधर जैसे मैं बता रहा था ये राम स्वरूप, इसका तो HLA-B27 ENA एवियन कोई भी चीज़, ये पेन मार्कर्स पॉजिटिव हो जाए सब, और या ना भी हो कई बार तो भी क्या करें, एक तो गिलोय और एलोवेरा पिए, खाली पेट पेनाडिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले लें, थोड़ा उपवास करें, जैसे उपवास का तो इधर आ जाओ, उपवास और पूरा उपवास भी नहीं, फलो उपवास रसो उपवास, और शाम को 7 बजे खा के अगले दिन 7 बजे खाना, 97 से 47 तो वेट कर लिया, और अब लगातार मेरे साथ योग कर रहे हैं पूजा जी, ये एक रोल मॉडल आइकॉन है और मेंटेन किया हुआ 20 साल से वैसा का वैसा ही, तो आप एक तो यदि वजन भी है तो भी वेट भी कम हो जाएगा, उपवास से वेट भी कम होता है, अर्थराइटिस भी दूर होता है, अस्थमा भी दूर हो जाता है, सारे टॉक्सिन ऑक्सीडेंट दूर हो जाते हैं, और फिर थोड़ा हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर थोड़ा खा लेना, तो इतना उपाय कर लेंगे वंदना जी तो आपका सारा दर्द खत्म हो जाएगा, और गोखरू का पानी और गोधन अर्क पी लिया तो पूरे पेन मार्कर्स ऐसे खत्म हो जाते हैं कि जैसे कभी दर्द था ही नहीं, ऐसे हो जाएंगे वंदना जी आप। स्वामी जी, संजीव मेहता ने अगला सवाल भेजा है जोधपुर से। मेरे 2017 से कमर में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, नस कंप्रेस हो रही है, दोनों पैरों में खड़े रहने की शक्ति नहीं है, थक बहुत जल्दी जाता हूँ, बहुत परेशान हूँ, कृपया उपाय बताएं। तो देखो मेहता साहब, संजीव जी, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन और मरकटासन कर लो अभी आप पूजा जी, ये मकरासन, भुजंगासन, सलभासन तो हम पहले कर ही चुके थे, और मरकटासन सीधे लेट करके पैर मोड़ करके फिर पैर सीधे करके, ये तो आप इधर भी देख लेना, उधर भी जो है हमारी पूजा जी आदि उधर भी इंडिया टीम में भी कर रहे हैं, यहाँ पर भी कर रहे हैं, एक एक पैर से करो, हाँ दोनों हाथ साइड में, और एक पैर उठाओ और अपोजिट साइड में ले आओ, ना हाथ यहाँ लाओ ऐसे, और एक पैर उठाओ अपोजिट साइड में इधर लाओ, ये ऐसे मरकटासन, ये बड़ा ज़बरदस्त है, तो मरकटासन बहुत ही ज़बरदस्त है, और खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद त्रयोदशांग ऑर्थोग्रिट भी साथ में ले लिया, स्लिप डिस्क अपने आप डिस्क जो है अपने जगह पर पहुंच जाएगी, लोगों में एक गलत फहमी है कि एक बार स्लिप डिस्क हो गई तो वापस अपने स्थान पर नहीं जाती, वापस अपने स्थान पर डिस्क चली जाएगी, जहां से स्लिप होकर के आई थी वहीं पहुँच जाएगी संजीव जी, बस आप ये मरकटासन कर लेना जी। और जो है मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन पहले बता चुके हैं, थोड़ा उष्ट्रासन भी कर लेना और ये पॉइंट दबा लेना। अगला प्रश्न आप ले लीजिए, ये सिर्फ डिस्क भी 100% अच्छा होता है, लोगों को ये गलत अगला प्रश्न स्वामी जी रायपुर से संजू का है। तो वापस अपने स्थान पर वर्टिब्रा नहीं जाएगा जी, मेरे गले में और पेट में जलन रहता है और खाना खाती हूँ वो पचता नहीं है, जिस कारण मेरे को ज़्यादा ही एसिड बनता है पेट में, उसका कोई उपाय बताइए। एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है ना, तो इससे फिर बहुत उपद्रव होते हैं, चेहरा लाल पड़ जाता है, शरीर में खुजली होने लगती है, बीपी बढ़ जाता है, बहुत तरह की दिक्कतें होती है, तो जिनको भी एसिडिटी होती है वे वीटाग्रास लें, एलोवेरा लें या लौकी का जूस पिए, खाना पचता नहीं है तो सर्वकल्प का काढ़ा तो बेस्ट है, और लिवोग्रिट और लिवामृत, लिवोग्रिट खाली पेट लिवामृत खाने के बाद, और ये जो पिंडली है ना इसको दबा देते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त है, और पेट में जो जलन रहती है वो एसिडिटी के कारण से होती है, मिट्टी पट्टी उसमें लगा सकते हैं, अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम, 10 ग्राम उसमें मुक्ता शक्ति, 2 ग्राम मोती पिष्टी मिला करके सुबह शाम खा लो, 2-3 ग्राम एसिडिटी पूरी तरह से एकदम खात्म, या खाली पेट एक एसिडोग्रिट और एक लिवोग्रिट, ये रेडीमेड उपाय है, जीरा धनिया सौंफ मुलेठी का पानी, गुलाब के फूल का पानी, ये भी बड़ा ज़बरदस्त, वैसे गुलकंद भी रात को ले सकते हैं, तो इससे भी ये एसिडिटी और पेट की जलन खत्म हो जाएगी मेरी बहन संजू जी। स्वामी जी अगला सवाल ग्रेटर नोएडा से है, राजकुमार जी ने भेजा है। मेरे वोकल कॉर्ड के स्टार्टिंग पॉइंट पर टिश्यूज इकट्ठा हो गए हैं, एलोपैथिक के डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है, मुझे अपनी आवाज बोलने में भी काफी जोर लगाना पड़ता है, कृपया उपाय बताएं।
हाँ, वो तो अभी भी देख रहे हैं राजकुमार जी, आपको बोलने में काफ़ी कष्ट हो रहा है, और आप 100 ग्राम एलोवेरा के पत्ते, 10 ग्राम अमरूद के पत्ते और 10 ग्राम ही उसके अंदर हल्दी, कच्ची हल्दी, अभी सब एक जगह मिक्सी में डाल करके और इसको घोट ले, पीस ले, इसको छान करके थोड़ा गुनगुना, जिससे गला सीख भी जाए, उससे गरारे करना 2 बार, आपके का स्वर तंत्र पूरा अच्छा हो जाएगा, बोलने की दिक्कत खत्म। हल्दी, हल्दी फिटकरी, उसमें शीशम के पत्ते, हल्दी फिटकरी शीशम के पत्ते, उसमें थोड़ा लहसुन, एलोवेरा, ये सब मिला करके गले पर ये लेप लगा लेना, मुल्तानी मिट्टी या पीली मिट्टी, फिर काचनार गुगुल या काचनार घनवटी खाने के बाद और सिस्टोग्रिट 2-2 सुबह उठते ही, फिर नाश्ते के पहले, दोपहर के पहले, खाने के पहले, शाम को खाने के पहले सिस्टोग्रिट ले ले, और ये पॉइंट भी थोड़ा दबा ले, कपाल भाती जरूर करना, 1-1 घंटा करना, आपकी गले की गांठ खत्म हो जाएगी, नहीं तो ये कभी कैंसर में भी तब्दील हो सकती है और आपको वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस भी दे सकती है। तो ये 100% अच्छी हो जाती है गले की गांठ, चाहे बेनाइन हो या मैलिग्रेंट ट्यूमर भी होता है तो भी खत्म हो जाता है। मेरे भाई राजकुमार जी, आप एकदम निश्चिंत रहे, आप ठीक होंगे। स्वामी जी, टिप ऑफ द डे का इंतजार हो रहा है, लेकिन उससे पहले कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें, कल क्या खास होने वाला है? वजन कम करने के चक्कर में क्या खतरनाक बीमारी को आप दावत दे रहे हैं? देश में ना बढ़े सांस के मरीज, कैसे दूर करें सीने की जकड़न? 5 रामबाण उपाय से टीबी का होगा अंत, प्राणायाम के साथ योग मंत्र भरेंगे फेफड़ों में ऑक्सीजन। तो वजन घटाने के साथ साथ टीबी के खतरे से कैसे बचना है, जानने के लिए कल का हमारा शो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी जरूर लगा लीजिएगा। और स्वामी जी, हेल्थ टिप का वक्त है, पेस्ट बना लिया। बुखार की आज हमने चुकी बात की, तो बुखार से जब शरीर तपने लगता है तो घर पर तुरंत क्या उपचार किया जा सकता है? एक तो लहसुन का पेस्ट लेकर के और उसमें जैतून का तेल मिला दिया, और इससे फिर ये पेस्ट तैयार हो जाएगा, जैसे हम कई बार दर्द की मलहम लगाते हैं ना, ऐसे ये इसका तलवों में मालिश करने से एकदम से बुखार कंट्रोल में आ जाता है। और ऐसे ही ये जो पान के पत्ते होते हैं, पान के पत्ते में थोड़ा सौंफ, थोड़ा इलायची, इलायची एक, सौंफ थोड़ी सी, थोड़ा सा ये लौंग, और इसमें गुलकंद और मिला करके ले लो। अब देखो, इससे गला तो ठीक अच्छा होता है, कफ कोल्ड, तो इससे बुखार भी अच्छा हो जाता है। ये नारियल का पानी, ये तो सब जगह सबको सुलभ है, आपने बहुत योगाभ्यास कर लिया, लो जी पूजा जी आप नारियल का पानी पियो, नारियल का पानी पीने से बुखार ठीक होता है। लौंग, फिर इधर ये तुलसी है, लौंग और तुलसी, इन दो को ही, ये मैंने देखा 30 साल पहले, लौंग और तुलसी इन दो को ही काढ़ा बना करके पी लेते, उसमें यदि गिलोय और मिला देते हैं ना, तो एकदम से थोड़ा एक चुटकी भर मामूली सा सेंधना, ये काढ़ा बना करके गरम गरम पिला दो, कंबल उठा दो, और एकदम से बुखार ठीक हो जाता है। गुनगुने पानी से नहाएं, और जैसे मैंने बताया ठंडे पानी की लपेट करें बेड शीट की, एकदम से बुखार ठीक होगा। और पानी थोड़ा सा ज़्यादा पिए, लोग बुखार होने पर पानी कम कर देते हैं, वो ठीक नहीं है। तुलसी अदरक दालचीनी शहद का भी काढ़ा पीने से बुखार एकदम अच्छा हो जाता है। तो आज के जो घरेलू उपचार बताए हैं, इससे लोग जरूर, और स्वामी जी इस हेल्थ टिप के साथ ही, और गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक, महासुदर्शन घनवटी, कुछ चीज़ें तो अपने घर में जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।